देखो माँ के पेट में बच्चा है, हाँ, वो बच्चा प्रकट हो गया, बना नहीं, माँ बाप ने बनाया नहीं, वो खाली प्रकट हो गया है। वेद कहता है सूर्या चंद्रमसा उधाता यथा पूर्व मकल्पयत, जैसे पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया भगवान ने, कुछ अपनी जेब से प्लस माइनस नहीं किया। आप गधे की अकल से समझिए, आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा होगा क्रिकेट का, हाँ, 5 दिन होता है, हाँ, तो पहले दिन जब खेल समाप्त हुआ तो किसी खिलाड़ी ने 99 रन बनाया, कोई खिलाड़ी आउट हो गया था और टाइम हो गया, अंपायर ने छुट्टी कर दिया, सब घर चले गए। दूसरे दिन जब 10 बजे फिर आए सब, तो जो जहां था वहीं खड़ा हो गया, जिसके 99 रन थे वो बोर्ड पर लिख दिया गया, जो आउट था वो बाहर हो गया, और अलार्म हुआ और खेल शुरू हुआ। तो कोई नई बात तो हुई नहीं, वो कल जहां समाप्त हुआ था वहां से आज प्रारंभ हो गया। इसी को सृष्टि कहते हैं। सृष्टि सृज विसर्गे धातु है, छोड़ना। भगवान ने पकड़ रखा था सारे संसार को प्रलय में, उसको छोड़ दिया। यथा पूर्व, जैसे पहले था। ससर्जेदम सपूर्ववत भागवत, 2938। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मई अनुशेरते, 3943 भागवत। जैसे पहले था वैसे ही भगवान ने प्रकट कर दिया, कोई नई चीज नहीं। अपने अपने कर्म के अनुसार, एक को कुत्ते की योनि में डाल दिया, एक को गधे की योनि में, एक को वृक्ष बना दिया, एक को देवता बना दिया, एक को मनुष्य, ऐसा कैसा करेगा भगवान। वैषम्य नैर्घिण्य न सापेक्षत्वाद, वेदांत कहता है ये विषमता और निर्दयता भगवान में कैसे होगी। एक जीव ने क्या गुनाह किया कि सृष्टि के प्रारंभ में ही उसको मच्छर बना दिया और एक को देवता बना दिया स्वर्गलोक का। नहीं नहीं, कुछ बनाया बनाया नहीं, जैसे पहले था वैसे ही आउट कर दिया, प्रकट। जन्म माने प्रकट, जनी प्रादुर्भावे धातु है संस्कृत में, तो जन्म माने प्रकट, नाश माने नश अदर्शने धातु है, गायब हो जाना, उसको हम नाश कह देते हैं। ये चक्र चलता रहता है ऐसे, कोई नई चीज नहीं। हम सब जीव है, हाँ, और माया का ये पृथ्वी जल तेज जड़ वस्तुएं हैं, हाँ, और भगवान सर्वव्यापक है, हाँ, तो तीनों तो है संसार में। संत महात्मा लोग सर्वत्र इस व्याप्त भगवान को देखते हैं और हमारी दृष्टि माइक है, सब माया दिखती है, इतना अंतर है। और यही तीनों
जब भगवान में लीन हो गया जीव और माया, तो हम कह देते हैं एक है, एक था। अरे नहीं, ये तीन थे सदा से। ज्ञा ग्यौ द्वा भजा विष निशा अज अज अजा, वेद कह रहा है श्वेताश्चतुरोपनिषद। अज माने जिसका प्रारंभ न हो, जन्म न हो, सदा से हो भगवान। अज जीव, अजा माया, ये भी है सदा से। जीव के ऊपर माया हावी है सदा से। तो ओरिजिनल रूप क्या हुआ? मायाधीश ब्रह्म, मायाधीन जीव और एक माया जड़। माया जड़ है जैसे तौलिया, इसको गवर्न करते हैं भगवान, और जीव को भी गवर्न करते हैं भगवान, लेकिन जीव को उसके कर्म के अनुसार गवर्न करते हैं, अपनी तरफ से नहीं। ये देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, रस लेने की शक्ति, सोचने की, जानने की, ये सब शक्ति भगवान देते हैं। लेकिन क्या सोचो, क्या देखो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे पावर हाउस ने बिजली दे दिया, अब उस बिजली के द्वारा तुम पंखा चलाओ, एसी चलाओ, बर्फ बनाओ, पानी गर्म करो, या पकड़ के मर जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। अब एक मर गए, उसने कहा न बिजली घर में आती, न मेरा बेटा मरता। अरे बिजली क्या करे भाई, तुम्हारे बेटे ने क्यों पकड़ा नंगा तार, ये तो उसकी गलती है। नदी बह रही है, गंगा जी बह रही हैं, आत्मन करो, प्यासे हो तुम पानी पी लो, मरने की इच्छा है डूब जाओ, नदी का दोष नहीं है तुम डूब के मर गए तो। ऐसे ही भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन क्या कर्म करो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। जो जस करै सो तस फल चाखा, ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु। अर्जुन, भगवान किसी को न पाप कराते हैं न पुण्य। 5:15 गीता, सब जीव अपना अपना कर्म करते हैं, अपना अपना फल भोगते हैं, और दूसरा नहीं। बीबी है अर्धांगिनी बोलते हैं लोग, अरे अर्धा पर्दा नहीं है उसका, अलग भोग है तुम अलग भोगो। तुम्हारे दुख को बीबी नहीं भोगेगी और बीबी के दुख को तुम नहीं भोगोगे। बीबी को बुखार है, हाँ तुमको, हमको नहीं है जी, क्यों? अर्धांगिनी है ना, तुम भी बुखार में पड़ जाओ। सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, और मरने के बाद भी सब अलग अलग जाते हैं। कति नाम सुता न लालिता, संतों ने कहा अरे मनुष्य तुमको पता है तुमने कितने बाप बनाए हैं? अनंत, कुत्ते बिल्ली गधे सब तुम्हारे बाप बन चुके हैं, सब तुम्हारे माँ बन चुकी हैं, सब तुम्हारी बीबी बन चुकी हैं, सब तुम्हारे पति बन चुके हैं। अनंत, कहाँ है वो?
जब तक शरीर है तब तक कि वो माँ है, वो बाप है, वो बीबी है। फिर अपने अपने स्थान पर उतर गए। अरे ट्रेन देखा है ना आप लोगों ने? हाँ हाँ जी, खूब सफर करते हैं तो ट्रेन में 500 आदमी बैठे हैं और ट्रेन जा रही है कलकत्ता से दिल्ली, हाँ रास्ते में 50 स्टेशन है, हाँ फिर सब बैठे हैं उसमें, हाँ कलकत्ता से, हाँ हाँ सब गप्पे कर रहे हैं, हाँ आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, बड़ी दोस्ती हो रही है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है, स्टेशन आ गया इलाहाबाद, अच्छा साहब, अरे तो आप उतर रहे हैं, मैं अकेला रह जाऊंगा, साहब आप भी चलिए, अरे क्या गजब करते हैं, मुझे तो दिल्ली जाना है। तो भाई ये तो ऐसे ही है, जिसका स्टेशन आया उसको उतरना होगा, ये ऐसे ही है ये संसार। कौन पहले मरे, अरे ये रम नियम नहीं है, बेटा पहले मरा, नाती भी पहले मर गया और वो दादाजी बैठे। धृतराष्ट्र ने कहा श्री कृष्ण से, क्यों जी तुम तो भगवान हो, हाँ हाँ तो बताओ तो हमने कौन सा पाप किया कि हमारे 100 जवान पुत्र इतने बलवान बुद्धिमान गुणवान रूपवान मर गए और मैं अंधा बैठा हूं रोने के लिए। भगवान ने कहा तुम्हें कितने जन्मों की याद है? ने कहा 4 जन्म की, बस अनंत माइनस 4 गणित आता है? तो तुम क्या हिसाब लगाते हो अपने कर्मों का? कर्म तो फल देगा, कर्म करने का अधिकार है, तुमको फल भोगने का अधिकार नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है, वो भोगवाएगा, बच नहीं सकता कोई। भले ही राम के बाप दशरथ हो, भले ही अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण हो, अजीव जाना होगा जब समय आ जाएगा। तो ये 3 का मिक्सचर जगत पहले भी था, आज भी है, फिर प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगी, इसलिए 3 तत्व भी है, 1 भी है। और ये दोनों तत्व जीव और माया भगवान की शक्ति है, इसलिए अंश भी कहे जाते हैं और भगवान के अधीन भी हैं, सदा स्वतंत्र नहीं है। अतएव मैं कौन मेरा कौन प्रश्न गलत नहीं है। पश्चात आपको बताया गया कि इन दोनों को प्रश्न को दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए जीव को ब्रह्म को जानना होगा। फिर आगे बताया गया लेकिन वो अज्ञेय है, अदृष्ट व्यवहार मग्राह्य मलक्षण मचिंत्य, वेद कह रहा है मांडूक्योपनिषद 7वां मंत्र। संसार आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है, ये शरीर पंच महाभूत का बना है ना, और संसार भी पंच महाभूत का है, सजातीय है, इसलिए इस संसार को हमारी इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं। भगवान दिव्य है, वहां ये नहीं जा सकती। यद वाचा न भुदुतम येन बाग भुद्यते यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम यक्षुषा न पश्यति येन चक्षु ग्वंसि पश्यति यक्षोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं सुदं यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते। तेनोपनिषद 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8,
ये इनसे नहीं ग्रहण होगा भगवान का। तो इसका मतलब यह है कि सारे जीवों को भगवान किसी को मिले ही नहीं होंगे फिर तो। अरे सबके पास तो यही है, देवताओं के पास भी यही है इंद्रिय मन बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, अनंत जीवों को मिले हैं भगवान, मिल रहे हैं, मिलेंगे। भगवान का संसार कितना बड़ा है कोई जानता? संख्या चेत राजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। ये पृथ्वी के जो धूली के कण हैं उनको भले ही कोई गिन ले, ये उनको कौन गिन सकता है जी। अरे मान लो, लेकिन भगवान के संसारों को कोई नहीं गिन सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत महापुरुष प्रतिक्षण भगवान को देख रहे हैं। अब एक ब्रह्मांड में एक ही महापुरुष हो सकता है, एक ब्रह्मांड में दस हो सकता है। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है। उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई, कर्म ज्ञान भक्ति। और कर्म और ज्ञान के द्वारा वो नहीं मिलेगा ये भी बताया गया। अतएव वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और यह भी बताया गया कि कर्म में इतने कड़े कड़े नियम हैं कि मनु महाराज जिनसे हम पैदा हुए हैं, मनुष्य ब्रह्मा के सगे लड़के, उन्होंने यज्ञ किया, जरा सी गलती हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई इला। वृत्रासुर त्वष्टा की गलती से मारा गया। काशी नरेश मिथ्या वासुदेव श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया, खुद मरा। हिरण्यकश्यपु का पुरोहित प्रहलाद के मारने के लिए उसने किया, वो खुद मरा। एक त्रुटि जरा सी हो जाए तो। और ज्ञान तो इतना कठिन है कि उसका अधिकारी ही होना असंभव। अधिकारी हो भी जाए तो चलते समय बार बार गिरेगा। अगर अंतिम कक्षा में पहुंच भी जाए तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। वो भक्ति के द्वारा ही होता है। और भक्ति का अधिकारी, मैंने आपको बताया कि अत्यंत दुराचारी भी अधिकारी है, सदाचारी भी अधिकारी है। भगवान को जो जान के प्यार करे उसको भी भगवान मिलेंगे, और भगवान को भगवान न जाने, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष किसी प्रकार से मन का अटैचमेंट कर ले तो भी भगवान मिलेंगे। और नंबर तीन आपको बताया गया कल कि जो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस हैं, वे भी श्री कृष्ण की एक झलक देखकर अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं जबरदस्ती। अभ्यास करके नहीं, परमहंस थोड़ा समझ लीजिए, ये सन्यासियों का नाटक। राधा रानी राधा रानी राधा रानी, जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी।
राधे जय जय मोहन मोहिनी राधा रानी जय कृपालु हूँ मोहिनी राधा रानी जय जय राधा रानी जय जय राधा रानी 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 राधा रानी राधा रानी जय 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 जय 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 राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी जय जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी Radha Rani, Radha Rani, Radha Rani, Radha Rani, Radha Rani, Radha